हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि पेपर प्लेट बिजनेस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कितना जगह लगेगा, कितना बिजली लगेगा, कौन सी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनको इसके बारे में अच्छे से पता नहीं है, तो आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें और सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए पहले आपको समझना बहुत मुश्किल है। इस धंधे को या कोई भी काम अगर आप करते हैं तो पहले अगर समझ के करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें हम बात करते हैं कि कितना जगह लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना बिजली लगेगा और कौन सी लाइसेंस लेना होगा, और मार्केट में क्या इसका डिमांड है। तो हम बात करते हैं पहले कि इसमें कितना जगह की जरूरत पड़ेगी। तो अगर यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी आप नए हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, अगर 10x10 का भी जगह हो तो हो जाएगा। 10x10 में आपका मशीनें ये लग जाएगा। उसके बाद इसका रॉ मटेरियल रखने के लिए और बना बनाए माल रखने के लिए एक और 10x10 का आपको कमरा लेना पड़ेगा। यानी दो कमरे में आप इसको आराम से काम कर सकते हैं। अगर आप घर में लगाते हैं तो अगर कमरा एक ही हो, बरांडा हो, आंगन हो, तो उसमें भी आप रख के कर सकते हैं इस काम को। तो स्पेस बहुत ही कम स्पेस में ये काम स्टार्ट हो जाता है। रही बात मशीने की, तो मशीन इसका जो है आपको 45,000, और हालांकि तो 20,000 से स्टार्ट हो जाता है हैंड प्रेशर मशीने, लेकिन अगर आपको काम करना है तो हैंड प्रेशर ना ले करके आप ऑटोमेटिक ले, क्योंकि मशीन जो है तीन तरह का मशीन है, हैंड प्रेशर है, सेमी ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिक है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक में आपको क्रेंक वाला भी आता है, हाइड्रोलिक भी आता है, और सेमी ऑटोमेटिक में भी दोनों आता है, क्रेंक हाइड्रोलिक। जो मैनुअल है हैंड प्रेशर, वो हैंड से प्रेस का काम होता है, वो अलग होता है, वो सस्ता पड़ेगा आपको, लेकिन उसमें प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन हम ये सारी चीज़ें छोड़ के हम बात करेंगे कि अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पैसा बढ़ाएं और क्रेंक मशीन से स्टार्ट करें, जो कि आपको अगर अच्छे मशीन लेते हैं तो 50,000 से 60,000 के बीच में आपको अच्छा मशीन, बढ़िया क्वालिटी वाला आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसमें जो डाइयाँ आती है, 5-6 तरह का डाई आपको स्टार्टिंग में लेना होगा, जो कि 4 नंबर का दोना होता है 4.5 का, 6 का प्लेट हो गया और 7 का प्लेट, 8 का प्लेट, ये हो गया। उसके बाद आपको 12-13 इंच का थाली हो गया। ये आप अपने मार्केट में सर्वे कर सकते हैं कि आपके मार्केट में कौन सा पहले चल रहा है ज़्यादा, 12 चल रहा है या 13 चल रहा है। अगर 12 चल रहा है तो 12 का डाई लें, 12 का मटेरियल मंगाएं, और अगर 13 चल रहा हो तो 13 का डाई, 13 का मटेरियल मंगाए। तो ये आपको कुल मिला के जो खर्च है मशीन का और डाई का, ये आपको अगर प्लेटें सिर्फ लेते हैं और मशीनें लेते हैं तो वो 50 से 60 के बीच आपको मशीन हो जाएगा, और प्लेट का जो डाई है, 4-5 डाई हम बताए, उसमें आपको 10 से 15 हज़ार रुपये आपको डाई का लग जाएगा। यानी कि 55 मानते हैं मशीन का और 15 वो, तो 55 और 15 आपको 70,000 रुपये में मशीन और डाई दोनों आपके घर पे काम चलाओ पहुंच जाएगा। मतलब डाई कम जाएगा, थाली वाली नहीं, वो आपको अलग से मार्केट के हिसाब से लेते रहना, स्टार्टिंग में आप इतना ले सकते हो। तो 70,000 में आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद रही बात रॉ मटेरियल की, तो स्टार्टिंग में अगर आप कम मटेरियल लेते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बजट कम है आपके पास में, तो कम से ही काम करें, 30,000 का मटेरियल ले लें। 30,000 में आपको 400-500-600 केजी माल आपका अभी के टाइम में हो जाएगा, यानी 1,00,000 के अंदर में आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जगह आपको बता दी कि 10x10 कमरे में भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बता दें कि 1,00,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। अब रही बात बिजली की, तो अगर यदि आप गांव से हैं या शहर से हैं, कहीं से भी हैं, बिजली ये एक घरेलू उद्योग है, तो स्टार्टिंग में एक मशीन दो मशीन के लिए आपको बिजली घरेलू से चल जाएगा, 2 किलोवाट पे आपका ये मशीन आराम से चल जाएगा। वोल्टेज मगर उसमें आपको 200-220 होना चाहिए, तब जाकर के मशीन आपको रन करेगी। ये हो गई बिजली की बात। अब बात करते हैं लाइसेंस की, तो लाइसेंस की ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, बिना लाइसेंस का भी काम कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा धंधा होता कोई नहीं आता है। कितना भी अगर आस पड़ोस के लोग उंगल भी कर लें, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ करने वाला नहीं है, करेगा तो सिर्फ आपको बिजली पर अड़चन आएगा। तो ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता हो तो 2 किलोवाट का आप क्या करें, कमर्शियल मीटर लगवा लें, कोई ज़्यादा उसमें पैसा नहीं लगता है, कोई ज़्यादा उसमें बिजली नहीं आती है। घरेलू अगर यदि आपका रूरल एरिया में है, गाँव में है आप, तो 3 रुपये है, तो कमर्शियल आपको 5-6 रुपये आएगा। अगर आप मार्केट में हैं तो मार्केट में अगर आपका ये चल रहा है 6 रुपये, तो वो आपको 9 रुपये आएगा, ऐसा आएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। मशीन की बिजली की खपत की बात करें, घंटे का 1 यूनिट लगता है, अगर आप मशीन कंटिन्यू चला रहे 10 घंटे, तो रोज का 10 यूनिट आपका बिजली बिल आएगा।
अब बात करते हैं लाइसेंस की, तो लाइसेंस तो कुछ लेना नहीं है। लाइसेंस अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक 50 रुपये, या फिर आप अगर खुद करते हैं तो घर बैठे आप करवा सकते हैं। आधार उद्योग उसको कहते हैं, आधार उद्योग आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं वही बहुत है, वो फ्री में हो जाता है। खुद करेंगे तो फ्री में हो जाएगा, मार्केट से करवाएंगे साइबर कैफे वाले से तो 50 रुपये लेगा वो, वैसे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप करवाते हैं तो वो चीज़ करवा लेना, उससे क्या और कुछ वो नहीं पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका लाइसेंस का और बिजली का, जगह का, इन्वेस्टमेंट का। इतना चीज़ें अगर आप करते हैं उसके बाद आता है प्रॉफिट का और मार्केटिंग का। सबसे बहुत अहम मुद्दा जो है प्रॉफिट है और मार्केटिंग है। अभी हम आपको मार्केटिंग का ही बताएंगे और प्रॉफिट का ही बताएंगे। तो मार्केट में अगर यदि आपको इस काम को स्टार्ट करते हैं, आप नए हैं, तो मार्केट बढ़ाने के लिए, मार्केट में पहचान बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कंटिन्यू मार्केट जाना होगा, रोज मार्केट जाना होगा। जैसे कि मान लीजिए सप्ताह में 7 दिन होता है, तो आपको कम से कम 5 दिन तो मार्केट जाना है, और हर मार्केट हर रोज अलग अलग मार्केट में जाना है, क्योंकि दोबारा मार्केट में रिपीट करना है 2-3 दिन बाद। जैसे मान लीजिए आज हम इस मार्केट में गए हैं तो कल किसी और मार्केट में जाएंगे, परसों किसी और में जाएंगे, यानी 3 दिन के बाद फिर हम उसी मार्केट में पहला आएंगे जिसमें पहला दिन गए थे, तीसरा दिन के बाद उसमें हम फिर रनिंग करेंगे। यानी अगर कंटिन्यू आप मार्केट जाते हैं, कंटिन्यू आप मार्केट में घूमते हैं, तो आपका ऑर्डर बहुत ज़्यादा आएगा। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट अगर यदि आप इसमें अच्छे से काम करते हैं, रोज का 30 kg भी माल अगर आप काटते हैं तो आपको 1000 रुपये प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा। 1000 रुपये आप आराम से इसमें काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई भी हो, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद मशीन चलाएं, घर वालों मिलके चलाएं, ताकि आपको लेबर ना रखना पड़े और आपको बचत ज़्यादा हो इसमें जो है। अगर यदि आप खुद से काम करते हैं तो ज़्यादा बचत है। मार्जिन की बात की जाए तो केजी पे अगर आप खुद मशीन चलाते हैं तो आपको 2 रुपये मार्जिन बनाने का चार्ज लगेगा। जैसे मान लीजिए आप 60 रुपये केजी माल लाए तो उस पर 2 रुपये आपका लेबर चार्ज मान लीजिए अगर आप खुद हैं तो। अगर आप लेबर रखते हैं तो आपको 6-7 रुपये केजी पे लेबर चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप लेबर नहीं रखते हैं वो आपका 6-7 रुपये बचता है, और वो बचता है तो अगर आप मार्केट जाते हैं और वहाँ पे कुछ मार्जिन कम कर देते हैं तो आपका मार्केट अच्छा बन जाएगा। तो ये बहुत ही फायदे वाली बात है। अगर हम खुद इस काम को करते हैं लेबर ना रख के, तो मार्केट में बनने का चांस बढ़ जाता है। 30% का मार्जिन होता है इसमें, अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो 30% मार्जिन इसमें बहुत ही अच्छे से मिल जाता है मार्केट में। और अगर रिटेलर में काम करते हैं, ये होलसेलर प्राइस बता रहे हैं, रिटेलर अगर आप रिटेलर में काम करते हैं तो आपको 40% भी मिल सकता है, 45% भी मिल सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट को आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत तरह से इसमें काम कर चुके हैं, और प्रॉफिट होने की वजह से ही हम आज एक मशीन से 10 मशीन चला रहे हैं और कंटिन्यू चला रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर यदि इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसी तरह का कोई भी वीडियो देखना हो तो मेरे वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये कमेंट कर सकते हैं, हम उस तरह का वीडियो आपको बना के दे देंगे।